नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मालवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो मालवेयर क्या है एक साइबर सिक्योरिटी में, उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, प्रकार क्या हो सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मालवेयर। व्हाट इज मालवेयर, एक मालवेयर क्या है, ठीक है। अब मालवेयर इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो मालवेयर क्या है, एक प्रकार का साइबर हमला है। वेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर। तो मालवेयर को, मालवेयर क्या है हमारा, मलिशियस सॉफ्टवेयर, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, मालवेयर बोलते हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, मालवेयर, ठीक है। इज यूज टू, तो एक मालवेयर क्या है, एक प्रकार का साइबर हमला है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिसरप्ट, डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिवाइसेस। तो मालवेयर एक प्रकार का साइबर हमला है, यस, मलिशियस सॉफ्टवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिसरप्ट करने के लिए, बाधा उत्पन्न करने के लिए, रुकावट उत्पन्न करने के लिए, डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए, अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, नेटवर्क को डैमेज करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए और डिवाइसेस, ठीक है। तो डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क को में बाधा उत्पन्न करना, डिसरप्ट करना, उनको नुकसान पहुंचाना या उनपे अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेना, उनमें अनऑथराइज्ड, अनाधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेना, ये क्या है, मालवेयर का जो साइबर अटैक है उसका कारनामा है, उसका कार्य है, ठीक है। उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, उसका यूज। मालवेयर कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, स्पाइवेयर, एडवेयर। तो मालवेयर जो है हमारा, वो भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म्स में, रूप में हो सकता है, अलग अलग रूप में हो सकता है। वायरस के रूप में हो सकता है मालवेयर, वॉर्म के रूप में हो सकता है, ट्रोजन के रूप में हो सकता है, रैंसमवेयर के रूप में हो सकता है, स्पाइवेयर के रूप में हो सकता है, एडवेयर के रूप में हो सकता है। ये सभी क्या है, टाइप्स है मालवेयर के। तो इन सभी रूपों में मालवेयर हो सकता है हमारा, मलेशिया सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्लियर है बात। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मालवेयर क्या है। अ यूजर डाउनलोड्स अ सीमिंगली हार्मलेस फाइल अटैचमेंट फ्रॉम एन ईमेल। एक यूजर है, मान लीजिए उपयोगकर्ता, उसके पास एक ईमेल आती है जो सीमिंगली दिख रही है कि हार्मलेस है, हानि नहीं पहुंचाएगी, उस पर एक फाइल अटैचमेंट की गई है, ठीक है, जो दिखने में ऐसा है कि वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगी वो मेल, ठीक है। Which contains a hidden virus. अब जिस फाइल में क्या होगा, एक hidden छुपा हुआ वायरस होगा। Once the file is opened, एक बार फाइल को ओपन कर लिया जाएगा, the virus infect the user computer. तो जो उपयोगकर्ता है, यूजर कंप्यूटर है, उसको इन्फेक्ट कर दिया जाएगा वायरस के द्वारा, उसको संक्रमित कर दिया जाएगा, क्लियर है। Allowing the attacker to remotely access the system, steal sensitive information or cause damage to the computer files and software. जिससे क्या होगा, जब उस फाइल को ओपन कर लिया, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया कंप्यूटर को, तो इससे अनुमति मिल गई अटैकर को, हमलावर को, कि वो रिमोटली दूर से, जहां पर वो बैठा है, सिस्टम को, सिस्टम तक पहुंच सकता है, दूर से ही उसमें प्रवेश ले सकता है, उसकी जानकारी को, स्टिल जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसकी संवेदनशील जानकारी, उसको स्टिल चुरा सकता है और कोज डैमेज, और उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके कंप्यूटर फाइल्स को करप्ट कर सकता है, ठीक है, डैमेज कर सकता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स को, सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। This demonstrates, ये दर्शाता है कि how malware attack exploit vulnerabilities in the computer system to compromise security and integrity. तो ये हमें दर्शाता है malware कि किस प्रकार से जो malware attack है, हमला है, वो जो vulnerabilities हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं computer system में, उनको exploit करता है, उनका फायदा उठाता है, उनका लाभ उठाता है, to compromise security and integrity. तो जो computer की हमारी security, सुरक्षा और integrity अखंडता है, जो उसको क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, उसको खतरे में डालता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मालवेयर, कि मालवेयर के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मालवेयर है, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो कितने रूपों में हो सकता है, कितने टाइप्स, कितने प्रकार में हो सकता है। वायरस के रूप में हमारा मालवेयर हो सकता है, ट्रोजन के रूप में हमारा मालवेयर हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स के रूप में, स्पाइवेयर के रूप में हो सकता है, वॉर्म के रूप में हो सकता है, रैंसमवेयर के रूप में हो सकता है, एडवेयर के रूप में हो सकता है। यहाँ तो इस चित्र में कुछ ही दिखा रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मालवेयर के टाइप होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके बात करेंगे, ताकि आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मालवेयर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या उसके टाइप होते हैं, ठीक है।
तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। और हाँ, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।